हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सेवन्थ चैप्टर दैट इज मोर ऑन एमएस एक्सेल। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल कि एक्सेल क्या है, इस पे वर्क कैसे करते हैं, किस फॉर्म में होता है, रो और कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। और एक्सेल को क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो रो और कॉलम में स्टोर करते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक है सिलेक्टिंग सेल्स, सेल्स को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मेरा यहाँ पे मैंने कुछ डाटा एंटर कर रखा है, मैंने ये B5 वाले सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर माउस से क्लिक कर दूंगी और जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो माउस पॉइंटर है वो प्लस की शेप में आ जाएगा, देखो, ठीक है। या जिसको भी मैंने सिलेक्ट करना है, मैंने D4 को सिलेक्ट किया या मैंने F4 को सिलेक्ट किया या फिर मैंने C7 को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो जब जिस किसी को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ उसकी हमें क्या पहचान होती है कि जो उस सेल का बॉर्डर है वो डार्क हो जाता है। देखो बाकियों का किसी का भी बॉर्डर डार्क नहीं है, लेकिन जो मैंने सिलेक्ट किया C7 उसका जो बॉर्डर है वो डार्क हो गया है, ठीक है। इसको हम जो डार्क बॉर्डर सेल्स होते हैं इनको एक्टिव सेल भी बोलते हैं और ये सिलेक्टेड सेल है, ठीक है जी। नेक्स्ट सिलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। जब हमने रेंज में सिलेक्ट करना है किसी एक सीक्वेंस में, चाहे वो हम लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं या अप से डाउन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये करना है तो मैं क्या करूंगी कि मेरे माउस का लेफ्ट बटन है जो, इसको मैं दबा के रखूंगी, ठीक है, विदाउट रिलीज किए माउस को इस तरह से मैं दबा के रखूंगी और नीचे को ले आऊंगी। जहां तक मैंने सिलेक्ट करना है मैं वहां तक सिलेक्ट करके उसको छोड़ूंगी तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये है रेंज ऑफ सेल्स। अब है मल्टीपल सिलेक्शन। मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करनी है कि अगर मैंने कोई बीच बीच में से सिलेक्ट करना है, मान लो मेरे को ये एक्स वाई जेड सिलेक्ट करना है, पी एक्स वाई करना है और क्यू आर एस करना है, तो मैं ये कैसे करूंगी, कंट्रोल की हेल्प से, ठीक है। जब मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगी उसके बाद अगर मैं अपना माउस जो है उसको प्रेस करूंगी, वेट, देखिए अब ये हमारा सिलेक्ट हो गया। ये हमें कैसे पता चला कैसे सिलेक्शन, एक तो देखो इसका कलर है जो वो डार्क हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ग्रे कलर नजर आ रहा है। और जो सबसे लास्ट वाला हमारा सिलेक्शन सेल की होगी वो ग्रे कलर का नहीं होगा, ठीक है, उसका सिर्फ डार्क बॉर्डर होगा। देखो इसका थोड़ा डार्क बॉर्डर नजर आ रहा ना आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर, मल्टीपल मीन्स कि अगर हमने बीच बीच में से किसी सेल को सिलेक्ट करना है। अब इसी तरह अगर मैंने इधर से भी इनके साथ ही किसी को सिलेक्ट करना तो भी मैं कंट्रोल सभी को पता है जो कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल बटन है, ठीक है, इसको दबा के रखना है और वहां से सेल को प्रेस कर लेना है। ये दो की कंट्रोल बटन है कीबोर्ड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, इनको हमने दबा के किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अब राइट साइड पे करना है मैथ्स वाले कॉलम में उसी वाले बच्चे के पूरे नंबर्स को, ठीक है, और मैंने जैसे साइंस वाला भी कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमने सारा सिलेक्ट कर लिया, ओके। ये है मल्टीपल सेल्स की सिलेक्शन। उसके बाद तो सिलेक्ट ऑल दी सेल्स इन वर्कशीट, जितने भी हमारे वर्कशीट में सेल्स हैं, ठीक है, ये पूरी वर्कशीट में जितने सेल हैं वो सिलेक्ट करने। तो ये हम कैसे कर देंगे, या तो हम यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर रखेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, जितना भी हमारा जाएगा देखो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वे क्या है कि अगर हम जहां पे भी हमारा कर्सर है वहीं पे हो, हमें कोई वो नहीं है, ठीक है, हम दबा देंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल दबा के ए वाली की दबा देंगे तो देखो हमारे सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे जितने हमारे वर्क्ड हैं, ठीक है। अगर हमने ब्लैंक पे रखा होगा कंट्रोल ए दबाएंगे तो देखो अब सारे हो गए। पता चल रहा है ना कि कैसे सारे हुए, क्योंकि उनका सारों का ग्रे कलर आ गया। जब सिलेक्शन होती है किसी सेल की तो उसका जो कलर है वो ग्रे हो जाता है, हाँ, और जो सेल सिलेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि जो एक्टिव सेल होगा वो अपना कलर व्हाइट ही रखेगा। अगर मान लो मेरा सारे सेल सेलेक्ट करने से पहले मेरा ये वाला एक्टिव है, ठीक है, सेल, अब मैं अगर कंट्रोल ए करूंगी, ठीक है, तो देखो सिर्फ वो वाला सेल हमारा वो हो गया, व्हाइट हो गया, बाकी के सारे क्या हैं, ग्रे कलर के हैं। उसके बाद है टू सिलेक्ट एन एंटायर रो और कॉलम। अब हमने पूरी रो और कॉलम को कैसे सिलेक्ट करना है, मैंने जिसको भी सिलेक्ट करना है उसके ऊपर मैं इस तरह से क्लिक कर दूंगी। जैसे मैंने ये 6 वाली रो को क्लिक करना है तो मैंने इसके ऊपर अपने माउस को प्रेस कर दिया, वो सारी रो सिलेक्ट होगी इस तरह से।
इनको भी हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल की हेल्प से। जैसे देखो मैंने 6-7 नंबर वाली की है, अब मैं 3 नंबर वाली करूंगी और 1 और 5 लाइक दिस। ठीक है, ये मेरी रोज की भी मल्टीपल सिलेक्शन होगी कंट्रोल की हेल्प से। ठीक है जी, इसी तरह से मैं अगर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं जैसे जिसके ऊपर भी क्लिक करूंगी वो सारे पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ओके जी, अब नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारा सिलेक्टिंग का कंसेप्ट जिसके अंदर हमने एक सिंगल सेल को सिलेक्ट किया है, मल्टीपल सेल्स को किया है, रेंज ऑफ सेल्स को किया है कि मींस जब हमने एक ही सीक्वेंस में सारे सेल्स को करना है माउस को ड्रैग करके, और फिर है हमारा कि पूरी रो और पूरे कॉलम को हमने सेलेक्ट कैसे करना है।